गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने 10.8 के क्वेश्चन किए थे, आज हम 10.2 के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। कार्तीय तल में जब किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में, जैसे ये क्षैतिज रेखा है हमारी और ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा, इनके नाम क्या है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या होते हैं? ये कौन सी अक्ष होती है? एक्स अक्ष। और ये ऊर्ध्वाधर वाली कौन सी होती है? वाई अक्ष। तो कार्तीय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या होते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्षैतिज एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष। नेक्स्ट सेकंड दिया है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ये जो प्रत्येक तल बना है, ये हो गया हमारा तल, एक ये तल हो गया, एक ये तल, एक ये तल, इन तलों के नाम क्या है? क्या बोलते हैं इन्हें? क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। ये चार चतुर्थांश होते हैं हमारे, तो इन प्रत्येक तल को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। सिंपल ही क्वेश्चन है, पहले उसने पूछा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम, फिर उसने पूछा ये जो हमारे तल होते हैं इनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। थर्ड, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है। किस प्रकार से होती है रेखाएं? जहां ये प्रतिच्छेद एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पर काट रही है एक दूसरे को, तो इसका नाम क्या होता है? हमारा मूल बिंदु। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक भी बताएंगे क्या होते हैं? 0.0। मूल बिंदु के निर्देशांक भी क्या होते हैं? 0.0। सिंपल क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन, आकृति दे रखी है और इनमें देख देख के इसके हमने मान बताने हैं। देखो पहले इसकी आकृति बनाते हैं, क्या दिया है? वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, इस प्रकार से दिया हमें ये आकृति। एक्स एक्स डैश, यहां पर वाई और वाई डैश, ये दिया है। फिर उसके बाद इस साइड वैल्यू है 6 तक, ये हमारा मूल बिंदु है 1 2 3 4 5 6। फिर इस साइड -5 तक दिए हैं, -1 -2 -3 -4 और -5। फिर y की प्लस वैल्यू 6 तक दी है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं ऊपर। y डैश की वैल्यू -5 तक दी है, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये हमारे तल जो होते हैं क्वाड्रेंट चतुर्थांश होते हैं। ये क्षैतिज रेखा हमारी एक्स अक्ष, एक्स डैश एक्स, एक्स डैश एक्स, क्या होती है? एक्स अक्ष। वाई वाई डैश वाई एक्स, यहां दोनों प्रतिच्छेद करेगी मूल बिंदु। अब उसके बाद 6 से ये डी दे रखा है इस बिंदु में, -5 2 से गुजर रहा है डी 6, इस प्रकार से दिया -5 से गुजर -5 से इस प्रकार डैश डैश करके ये दिया है यहां पर लाइन 6 तक, इस प्रकार दिया। तो यहां पर इस पर लिखा है बी इस बिंदु पर और इस पर लिख के दिया उसने डी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें नीचे दिया इसमें -3 -5, तो ये -3 हो गया हमारा और ये -5, इस पर दिया उसने हमें लिख के एच। फिर उसके बाद -3 -5 से गुजर रहा है, -5 से और ये -3 से और ये है कहां तक? +5 तक। ये इस प्रकार से दिए, ठीक है। इन पर बिंदु लिखा है उसने ई और दूसरे पर बिंदु लिखा है उसने सी, दूसरे पर बिंदु सी। फिर उसके बाद -4 और 2 से बनाया हुआ जी, 2 और -, ये बिंदु दिया है हमें। देखो अब इसको देख के हमें आंसर बताने, यहां दिया है 5 पर यहां लिखा हुआ है एल, यहां पर क्या लिखा है एल, इतने बिंदु दिए हमने, बी सी एच ये सारे लिखे, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। देखो भाई हम किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे बताते हैं, एक्स कोमा वाई यही होते हैं, पहले एक्स की वैल्यू देखते हैं फिर वाई की वैल्यू। इस पूरी एक्स अक्ष पर वाई का मान जीरो, इस पूरी वाई अक्ष पर एक्स का मान जीरो। हमें पूछा है बी के निर्देशांक, बी देखते हैं यहां पर है बी, तो एक्स पर वैल्यू इसकी कितनी है माइनस के पांच, वाई पर वैल्यू कितनी है प्लस के दो, तो बी के निर्देशांक क्या हो गए माइनस पांच कोमा प्लस दो, माइनस पांच कोमा प्लस दो। पहले एक्स का निर्देशांक लिखेंगे फिर वाई की वैल्यू। सेकंड है सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक करते हैं, सी बिंदु हमारा यहां पर है, एक्स अक्ष पर वैल्यू इसकी कितनी है प्लस के पांच, वाई अक्ष पर माइनस के पांच, तो क्या होगा इसके पांच कोमा माइनस पांच। पहले एक्स अक्ष का एक्स निर्देशांक फिर वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक भुज के मान बताता है वाई कोटि, फिर नेक्स्ट तीन कोमा माइनस तीन माइनस पांच कौन से बिंदु को बता रहा है माइनस तीन कोमा माइनस पांच, तो देखो माइनस तीन यानी ये रहा वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू माइनस तीन वाई की माइनस पांच ये रही, तो दोनों यहां पर इस बिंदु पर मिल रहे हैं माइनस तीन माइनस पांच, कौन से बिंदु को बता रहा है ई बिंदु को, कौन से बिंदु को बता रहा है ई को। पहले एक्स का मान फिर वाई का, एक्स का देख लिया माइनस तीन वाई का माइनस पांच, तो दोनों यहां पर मिल रहे हैं ये हो गया माइनस तीन माइनस पांच, तो ये कौन से बिंदु को बता रहा था ई को। फिर नेक्स्ट निर्देशांक दो कोमा माइनस चार द्वारा पहचाना गया बिंदु, निर्देशांक दो कोमा माइनस चार, निर्देशांक दो कोमा माइनस चार द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो भाई दो कोमा माइनस चार दो ये रहा हमारा प्लस का एक्स का मान, वाई का मान माइनस चार यहां पर है, तो ये हो गया दो कोमा माइनस चार, तो कौन से बिंदु को पहचान रहे ये जी बिंदु है। फिर पांचवा क्वेश्चन है इसमें डी का भुज, डी का भुज, भुज कौन सा निर्देशांक बताएगा, एक्स अक्ष बताती है भुज के निर्देशांक, तो डी कहां पर है सबसे पहले हमारा डी देखते हैं, ये रहा भी डी बिंदु, इस पर एक्स अक्ष की वैल्यू कितनी है, एक्स अक्ष की वैल्यू 6 है, तो डी का भुज भी क्या हो गया 6 हो गया, कोटि पूछता तो डी की क्या होती 2, डी की कोटि क्या होती 2। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा बिंदु एच की कोटि, एच की क्या बतानी है कोटि यानी वाई निर्देशांक का मान बताना है, तो बिंदु एच हमारा ये रहा, इसमें ये तो एक्स का निर्देशांक है, वाई का मान कितना है माइनस तीन, तो एच की कोटि कितनी आएगी माइनस तीन, एच का भुज कितना होगा माइनस के पांच। फिर सेवंथ है इसमें बिंदु एल के निर्देशांक, एल के और नेक्स्ट में बताने हैं एम के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल यहां पर है, ये वाई एक्स का मान है पांच, इसका अर्थ है यहां पर एक्स का मान क्या होता है जीरो, तो जीरो कोमा वाई का मान यहां पर कितना है पांच, तो एल के निर्देशांक क्या आ गए जीरो कोमा पांच, क्योंकि इस पूरी अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है जीरो और वाई का मान कितना है यहां पर पांच, तो जीरो कोमा पांच। फिर एम के निर्देशांक, तो एम बिंदु देखते हैं हमारा कहां पर है, एम बिंदु हमने नहीं बनाया तो एम बिंदु दिया उसने यहां पर दिया हुआ है, एम बिंदु यहां लिखा हुआ, तो देखो एम बिंदु के निर्देशांक किस पूरी अक्ष पर वाई का मान क्या होता है जीरो, एक्स का मान लिख रहे हैं माइनस के तीन, तो माइनस तीन कोमा जीरो ये क्या होंगे वाई के निर्देशांक। सिंपल से क्वेश्चन थे इसके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसके क्वेश्चन खुद एक बार और करके देखोगे, तो बाकी हम नेक्स्ट पॉइंट इसका नेक्स्ट लेक्चर।